और यहाँ पे देखिए यह है गेट। अल अशरफ लॉज, यहाँ पे आप अपना रूम मन पसंद हिसाब से रूम दे सकते हैं। आप अगर मखदूम अशरफ अगर कभी घूमने के लिए आते हैं या आप जियारत करने आते हैं तो यहीं पे आप अपना रूम ले सकते हैं। देखिए मखदूम अशरफ दरगाह जाने के लिए आइए, आपको सलामी गेट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जैसे आप अंदर घुसेंगे आपको यहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा, जो कि आपको तरह तरह की चीजें भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लेडीजों का चाहे कोई भी सामान ले सकते हैं। और यहाँ देखिए जो दरगाह है वो इसका गेट है, जो कि लास्ट गेट यही है। इसके बाद आपको कोई भी गेट नहीं पड़ेगा, सीधे आपका मकबरा ही दिखाई देगा। यहाँ पे लेडीज के लिए सामान भर भर के रखा गया है और यहाँ पे सामान जो चाहे आपको वो सारे सामान मिल सकते हैं। यहाँ पे ये मार्केट है जो कि सुबह का वक्त हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे दुकानें बंद हैं। यहाँ पे आपको चादर मिल जाएंगे, लोहबान मिल जाएगी और सारी चीजें मिल जाएंगी, कपूर हो चाहे लोहबान हो। यहाँ का जो मार्केट है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चूड़ी भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और माला वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसको तहदीप कहते हैं। यहाँ पे आप लोहबान ले सकते हैं, जो कि अक्सर घरों में सुलगाने के लिए काम आती है। यहाँ से चाहें तो आप खजूर भी ले सकते हैं, जो कि ताजे ताजे कितने वैरायटी के खजूर भी मौजूद हैं। और यहाँ देखिए हम चले आए और यहाँ देखिए आने के बाद यहाँ देखिए दूर से देखिए जो नील पोखरा है, इसके साइड से ही हम दरगाह दिखा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा हम और नज़दीक जाते हैं। नज़दीक जाने के बाद देखिए कितने लोग हैं जो कि बीमारी हालत में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से दरगाह हम लोगों को काफ़ी दूर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के देखिए कुछ लोगों का पानी पीने के लिए बोतल में भी पानी लेते हैं। सफ़ा के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं कि हमें शिफा मिल जाए। यहाँ से दरगाह काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। कभी भी आप मखदूम अशरफ जाइए तो इन जगहों पे ज़रूर से घूमिएगा, ठंड के कारण भी बहुत ही प्रॉब्लम है। जनवरी ठंड के कारण यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रहे हैं। अदर किसी और भी मौसम में अगर आएंगे तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी मिलेगा, जो कि आप इस प्रकार से नहीं जा सकते हैं। जिनको भी काला जादू, टोटका, साया इस प्रकार से बीमारी है, ये यहाँ पे शिफा मिल जाती है बाबा के दरबार पे जाने से। जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं सब के सब मरीज हैं। कुछ लोग तो अपना सर भी पीट रहे हैं। आप अगर दरगाहों का अगर जियारत करने में शौकीन रखते हैं तो आप यहाँ पे जाए और यहाँ का भीड़ और तादाद देखिए। यहाँ का देखिए जो मार्केट है ना वो देखिए आपको ले चलते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए आपको हर एक प्रकार का सामान मिल जाएंगे। कुछ दुकानें तो बंद भी है। और यहाँ पे देखिए लेडीजों के लिए चूड़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी और वैरायटीज के मिल जाते हैं, काफ़ी लो और हाई प्राइस में भी अवेलेबल है। यहाँ का जो मार्केट है वो काफ़ी शानदार मार्केट है। और ये जो पोखरा है ये एक गोल टाइप का पोखरा है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसको नील पोखरा के नाम से भी बोला जाता है।
तो हम लोग अंदर चलते हैं ज़ियारत के लिए। जितने भी लोग ज़ियारत करना चाहते हैं आप वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत है। ये तो भीड़ एक बार हम और यहाँ पे गए थे जो कि बहुत काफ़ी था। ये देखिए दरगाह जाने के लास्ट गेट है जो कि इसके बाद आप अंदर चले जाएंगे ज़ियारत के लिए। ये देखिए काफ़ी देखने में जो नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसका जो बनावट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जैसे ही आप गेट के पास पहुंचते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको गेट मिलेगा जो कि लिखावट और बनावट काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए हम लोग के सामने आ गया दरगाह जो कि ये दरगाह मखदूम अशरफ का है। आप यहाँ का बनावट देख सकते हैं काफ़ी बहुत प्यारा बनावट है और यहाँ जो रहते हैं वो अल्लाह के वली रहते हैं। लेकिन ऊपर लेडीज नहीं आ सकती, लेडीज जब भी रहेंगी तो चौखट के नीचे ही रहेंगी, ऊपर नहीं आ सकती, सिर्फ ऊपर जेंट्स ही आ सकते हैं। देख रहे हैं बनावट माशाल्लाह कमाल की बनावट है। और ये देखिए आपको इस प्रकार से मिलेगा। आप कभी भी अगर बाबा का ज़ियारत करने के लिए आए तो ऊपर तक ज़रूर जाइएगा। और ये आपको ये छोटे छोटे आपको मज़ार दिखाई देते होंगे। अब ये देखिए जो मस्जिद है ये वली लोगों का मस्जिद है। ये जो मस्जिद है ये मस्जिद वली लोगों का है। यहाँ पे ये सुनने को आता है चार वक्त की नमाज होती है पर यहाँ पे ईसा की नमाज नहीं होती है। यहाँ पे कुछ लोग से हमने पूछा और जांचा तो ये पता चला कि रात के जो वक्त होता है वह जो अल्लाह के वली होते हैं वही नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए बस यहाँ पे अजान हो जाती है लेकिन ईसा के वक्त यहाँ पे नमाज नहीं होती। आप देख सकते हैं इसका जो रंग पेंट रूप है वो काफ़ी शानदार है जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक लग रहा है। जो लोग बीमारी के हालत में होते हैं जिनको दवा कोई भी काम न करती हो वो यहाँ पे आते हैं और अपने दुख का इलाज ले जाते हैं। कितने लोग तो यहाँ पे एक महीने दो महीने चार महीने छः महीने से भी मौजूद हो। और आपको हम एक मस्जिद हम आपको और दिखाएं, ये देखिए जिन्नातों की मस्जिद। यहाँ पे जिन्नात ही नमाज पढ़ते हैं, यहाँ के लोगों से सुनने में यही आया। अब ये जो हम लोग के सामने मस्जिद दिखाई दे रही है ये अल्लाह के वलियों का मस्जिद है। यहाँ से हम लोग देखते हैं नील पोखरा जो कि यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आपको हम अच्छी तरह से ज़ियारत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। यह है मखदूम अशरफ दरगाह जो कि अम्बेडकर नगर में पड़ता है, अम्बेडकर नगर में। तो ये जो कछोछा शरीफ यहीं पे है
अब देखिए, हम आपको मजार का चारों तरफा ही हम आपको जियारत कराने की कोशिश करते हैं। आप चारों तरफा से आप बनावट देखिए कि आखिर ये बनावट कैसा है। बनावट काफी खूबसूरत और शानदार है। अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप घूमिए। यहाँ पे आपको घूमने में काफी आनंद आएगा। अब हम गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब हम चले जाते हैं बाहर। सीढ़ी आपको इस प्रकार से मिलेगी, यहाँ आपको दो लाइन मिलेंगे जो कि उस प्रकार से ऊपर जाने के लिए और इस पार से आपको नीचे उतरने के लिए यहाँ पे आपको दो सीढ़ियाँ मिलेंगी। जो लाचार लोग हो जाते हैं उनका मदद करना चाहिए, क्योंकि लाचारों का मदद करना इंसान की सबसे बड़ा इंसानियत होती है। और यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो दिन समय पे समय बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह जब आए थे तो ठंड के कारण यहाँ पे तादाद बहुत ही कम थी, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तादाद बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे लोग काफ़ी प्रॉब्लम और दिक्कत जब हो जाती है तो लोग आते हैं। देख सकते हैं गेट काफ़ी खूबसूरत और शानदार है। उम्मीद है कि हम आपको अच्छी तरह से जियारत कराने में कामयाब हो चुके हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। यहाँ का जो मार्केट है वो भी काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, आपको समथिंग में हर चीज़ मिल जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।